सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। चुनावी सरगर्मी के साथ साथ अब थमने जा रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे सब कुछ थम जाएंगे। तमाम प्रत्याशी अब बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ अपना जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ है विजेता वर्मा, जो यहाँ एनसीपी के प्रत्याशी है डाटेन विधानसभा। ये अभी जनसंपर्क अभियान इन्होंने पूरी जोर शोर से चलाया है, साथ ही मोटरसाइकिल रैली, मतलब अपनी उपस्थिति काफी जोर शोर से रखा है। क्या कहाँ कहाँ सफल की और कैसा कैसा मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? लगभग विधानसभा क्षेत्र के जितने भी होते हैं, मैंने हर क्षेत्र को छुआ है, जितने इलाके हैं कोई और सब हुआ, तो हर इलाके को क्या हुआ, मतलब इस पूरे विधानसभा डाल्टनगंज क्षेत्र बनरिया विधानसभा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे मैंने छोड़ा है। महिलाएं तो हर तरह से समर्थन में है, क्योंकि महिलाएं तो बोल रही हैं हर तरह से, हर जगह महिलाएं यही बोल रही हैं कि एक महिला अगर महिला ही समझ सकती है, सभी को उन्होंने देख लिया है, तो उनका समर्थन तो मुझे ऐसे मिल रहा है। महिलाएं यही बात बोल रही है, उनके भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, कि इतने दिन तक हम लोग किसी विधायक के पास जाके बैठ के बात नहीं कर सकते थे, उनकी भाषा की बात करी, कम से कम आप हैं तो हम आपके साथ हाथ पकड़ के आपसे काम करवा सकते हैं। ये लोगों का, ये महिलाओं का भरोसा है मेरे ऊपर कि अगर मैं एक महिला हूँ तो महिला होने के नाते वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाके काम करा सकती है, तो ये भरोसा है महिलाओं का। एक बात और टोटल विधानसभा जी, क्या सबसे बड़ा क्या समस्या? सबसे बड़ा जो समस्या दिख रहा है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, 5-6 चीजों की समस्या सबसे ज्यादा है, रोड नाली नहीं है, टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है आपके सिंगरा गाँव में अभी तक नहीं मिल पाई है, रोड नाली टॉयलेट्स, उसके बाद आपका हो गया रोजगार, तो बेरोजगारी, तो ये जितनी बातें मैं इधर, ये समस्याएं नहीं, ये उनके मूल अधिकार हैं जिनसे उनको वंचित रखा जा रहा है, रोड नाली बिजली पानी वृद्धा पेंशन, ये उनके अधिकार हैं जो अभी तक उनको मिले नहीं। इसके बाद बेरोजगारी जो है वो तो हमारा काम है उनको रोजगार उपलब्ध कराना है, ये इन टोटलिटी ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि हर क्षेत्र में ऐसी कमी है, हर क्षेत्र में आप शहर की बात कर लें और गांव की बात कर लें, कुछ हद तक अगर गांव और शहर को कंपैरिजन में हम लोग ले आते हैं तो गांव थोड़ा ज़्यादा अच्छा है मामले में, क्योंकि वहां हरियाली ज़्यादा है, तो ये जो पोल्यूशन है गंदी नाली का जो प्रॉब्लम है वहां गांव का जो बह रहा है गंदा पानी खेतों में चला जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गांव में पोल्यूशन थोड़ा कम हो रहा है, वहां के लोग थोड़ा साफ सुथरा वातावरण है, लेकिन अगर डाल्टनगंज की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, फिर या जो आपका पहाड़ी मोहल्ला हो गया, उसी मोहल्ला हो गया, वहाँ की स्थिति बस से बदतर है। बारामोटा में तो एक बीच में ऐसा गड्ढा है जहाँ लोग घर भी नहीं होते हैं, वार्ड नंबर 8 से पहले समस्या, अभी वार्ड नंबर 8 में एक और समस्या, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों से अनुरोध भी किया था कि वार्ड नंबर 8 में एक पोल है जिसको रस्सी से बांध के लटका दिया गया है, वहाँ के कंक्रीजिंग दिखाया मुझे रात को, वो काफ़ी डेंजरस था, तो ये सब समस्याएँ तो है ही है। गंगाधारा की अगर बात करूँ तो गंगाधारा गाँव से निकलने की सुविधा नहीं है, इंटरनेट रिचार्ज कराने के लिए मोबाइल चाहिए, जब वहाँ के लोगों के पास एक पानी पीने का पैसा नहीं है, तो मोबाइल तो वहाँ खरीदेंगे, मोबाइल के बाद इंटरनेट का भी कहाँ से लगाएंगे, ये बताइए। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, आप ही बताइए कि अगर एक आदमी बैठा है जिसके पास रोजगार नहीं है, जो सिर्फ खेती के जरिए अपने आप का भरण पोषण कर रहा है, अपने परिवार को किसी तरह से चला रहा है, उस आदमी का पहला काम, पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहले खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बाद ही वो मोबाइल और इंटरनेट की सोच सकता है। स्मार्ट इंडिया की बात करना बिल्कुल बिल्कुल गलत।
रखेंगे जब बिल्कुल भी पानी है? अगर सबसे पहले जो उनके मूल अधिकार है रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, तो अगला रोटी कपड़ा मकान के बिना फोन और इंटरनेट लेके नदी में बैठेगा भाई, गंगाधरा नदी में बैठ के वो फोन और इंटरनेट चलाएगा, और वो फोन खरीदने के पैसे उनके पास कहाँ से आएंगे? वर्तमान का विधायक कहते हैं कि विकास की लंबी लाइनें खींची गई है, क्या विकास की अगर लंबी लाइनें होती तो हर क्षेत्र से जो मुझे मिल रहा है प्रॉब्लम्स का जो लिस्ट मिल रहा है वो नहीं मिला होता। मतलब अभी आप अपने स्थान अपने कहां देख रही हैं, अपने आप को कहां पर देख रही हैं? इन चुनाव में अगर कंपैरिजन की बात करूं सोच की बहुत बड़ी और मैं अपने आप को किसी से तुलना करके अपना अपमान नहीं कर सकती। मेरी सोच बहुत बड़ी है, मैं बड़े सोच के साथ हूँ कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, और पिछला 10 साल में जो काम हुआ है वो वैसे लोगों की सोच का नतीजा है जिसके वजह से आज हमारी जनता मुक्त होगी। मेरा वो सोच नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या है कि मेरा सोच भी उतना ज्यादा है, जो अपना दूसरे की बुराई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपनी बातों को रखना है, क्योंकि दूसरों को बुराई करने से अच्छा कि हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाए, जनता की बातें। पहले तो इतना समय बीत चुका है, उन लोगों ने इतना गड्ढे खोद रखे हैं कि अगर अभी भी उन्हीं बातों को लेके मैं चलूंगी तो मैं अपना काम कब करूंगी? मुझे लोगों ने जो किया है उस पर नहीं ध्यान देते, मुझे जो करना है लोगों के हित के लिए मैं सिर्फ वही सोच रही हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी सिर्फ उतनी की है कि मुझे लोगों के लिए अच्छा करके देना है, और वो कैसे करना है? जो पहले जो बीत गई सो बात गई, अब जो बीत गई है वो समय वापस नहीं आ सकता। लोगों से मैं बार बार सिर्फ यही अनुरोध कर रही हूँ कि आगे का 5 साल बर्बाद ना हो। लोग कह रहे हैं समय बहुत कम है, मैंने बोला 1 घंटे में भी किस्मत बदलती है, 1 घंटे में भी किस्मत बदलती है, और ये आपका 1 वोट डालने में 1 मिनट का समय लगता है। अगर 1 मिनट में वो अगर कोई भी इंसान सिर्फ 1 मिनट में एक बटन दबा के अगर अपना आगे का 5 साल सुरक्षित कर ले तो वो 1 मिनट और 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट समय हो जाता है। ये आपका ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका क्योंकि आपके सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, जिले के जो विधानसभा के क्षेत्र की बात है भविष्य की बात है, परिवार का भविष्य की बात है, और आपके भविष्य की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले जनप्रतिनिधि ने जो किया सो किया, क्योंकि वह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आने वाला जो अभी वोट का तारीख 21 तारीख वो आने वाले जो 20 तारीख को मतदान है, तो मतदान आप ऐसे सोचे समझे प्रत्याशी को करें, सोच समझ कर करें, ठोक पटा कर करें, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। ऐसा नहीं, ये एक मामला एक और है। मैं इतना लोगों से ही अपील कर रही हूँ कि आप जनता समझदार हैं, सर्वोपरि प्रॉब्लम्स भी आप ही की है जो मैंने आपसे ही सुनी है, और मैं देख रही हूँ, मैं मुहाना करने गई हूँ, लोगों की ही प्रॉब्लम्स को मैं समझ रही हूँ, मैंने देखा है। तो ये अब उनकी फ्यूचर की बात है। कुछ गाँव में मैं बता रही हूँ लोगों ने इस तरह से सिस्टम को करप्ट कर रखा है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग 10 रुपये मांग रहे हैं दारू पीने के लिए, कि वो दारू पीएंगे और गलत जगह बोलता है। आप देखिए सिस्टम कैसे उल्टी दिशा से घूम रही है, उनको दारू के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उन्होंने बताया और पार्टी वाले आते हैं लेके जाते हैं, आप ही दे दीजिए। मैंने बोला, मैंने उनको डांटा, मैंने बोला कि एक तो अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं, दूसरा बात अपने हेल्थ के साथ आप अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करते हैं, क्योंकि 10 रुपये के दारू के लिए 1 बटन आप दबाएंगे जो कि गलत जगह पर, और आपके बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, आपके बच्चे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। 10 साल में क्या हुआ, आपके बच्चे कहाँ पहुँचे? तब ये सारी बातें लोग समझ रहे हैं, सब चीज़ों को ऐसा नहीं समझ, लेकिन वही बात है कि बदलाव आने में तो समय तो लगेगा ना। 10 साल में जो आदतें होती हैं अचानक से बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन अब वो जो हमारे युवा बच्चे हैं जिनके माँ बाप इस तरह का काम कर रहे हैं, अब वो बच्चे से, क्योंकि वो समझदार बच्चे हैं, वो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, तो वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, और वो अपने माँ बाप को समझाने का काम कर रहे हैं। युवाओं का तो काफ़ी समर्थन है, क्योंकि हर युवा यही चाहती है कि उनको रोजगार, एक अच्छा नेता चाहिए, पढ़ाई का नेता चाहिए, जो मैं चुनौती तो है, और विगत जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से अपना रवैया बना कर रखा है, जिस तरह से एक क्षेत्र का विकास में बाधक बन कर रहा है, यही वजह है कि उसका तोड़ना, यानी मतलब एक 10 साल लंबा अंतराल का जो है समय होता है तोड़ना, उनकी आदतें बन चुकी है लोगों का, उन पर एक नए तरह से उनको समझाना और नए जनरेशन की ओर ले जाना, नए तरह के सोच की ओर ले जाना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सभी चुनौती स्वीकार करती है। विजेता वर्मा जो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है, ये तो मैं गारंटी तौर से कह सकती हूँ, अगर लोगों का समर्थन मुझे आ जाए, वो अगर मेरे समर्थन के साथ मेरे साथ जुड़ जाए, तो ये मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि अगले 5 साल के बाद पूरी जनता मेरे साथ खड़ी होगी मेरे नॉमिनेशन, ये गारंटी है।
क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैं जनता की प्रॉब्लम को तो मैंने देख लिया, आगे का 5 साल मैं उनके साथ हूँ चाहे कोई भी कंडीशन। तो ये 5 साल या अभी का टाइम बस इतना ही है, मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, मुझे चिंता अभी भी सिर्फ जनता की ही है, क्योंकि उनका 1 मिनट का जो टाइम है वोट देने का टाइम, वो उनके आगे का 5 साल पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका 10 साल तो पहले जा चुका है। अगर वो एक गलत वोट देंगे तो आगे का जनता का ही 5 साल और समय जाएगा, लेकिन मैं उस समय भी जनता के साथ रहूंगी ताकि जनता अच्छे से मुझे समझ सके। लेकिन बिल्कुल, अब आप बताइए, आप सोच के देखिए ये बात कि अगर कोई जनता हमारे घर बुजुर्ग जो लाठी लेके चल रहे हैं वो 10 रुपये मांगते हैं दारू पीने के लिए, तो आप समझिए कि किस तरह से लोगों को बर्बाद करके रखा गया है, क्या सिस्टम है, क्या करप्शन है, एक लिमिट होती है। देखिए मैं लोगों से झूठा वादा तो नहीं कर रही हूँ, हर जगह मैंने यही बोला, हर गली हर नुक्कड़ चौराहे पे कि मैं जो भी बातें कर रही हूँ आपसे पहले, हमारे से पहले कोई भी ऐसी नेता नहीं आएंगे जो लिखित रूप से आपसे वादा करने को तैयार होंगे। मैं यहाँ आपके माध्यम से लोगों को ये बता दूँ, मेरा कार्यालय खुला है, जिन भी लोगों की जो भी समस्याएं हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं ओपनली आप मोहल्ले वाइज आ जाए, मोहल्ले की प्रॉब्लम लेके आ जाए, मोहल्ले में जितने लोग हैं सबों का सिग्नेचर मोबाइल नंबर लेके आ जाए और मेरा दस्तखत आके ले, क्योंकि मुझे सच में काम करना है, मुझे वर्बल वादा नहीं करना, मुझे लिखित वादा आपके साथ करना है, ये सबसे बड़ा बात होगा। मैं आपको इससे ज़्यादा तो भरोसा और किसी तरह से नहीं दिला सकती, जिस दिन मैं अपना कार्यभार संभालूंगी वही 5 पहले खुलेंगी जिसमें मेरे दस्तखत होंगे, इससे ज्यादा बड़ा बात नहीं कर सकती लोगों के समक्ष। चलिए एक बार विश्वास करिए, विश्वास बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी के लिए, और विश्वास अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विश्वास पर मैं खड़े हूँ, यही कहना है गीता भगवान, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आपकी आपका सोच अगर बदले, कुछ नए अगर तरह की सोच है, पुराने जिस तरह से चल रहा है इसलिए जो विधानसभा उसमें लोगों ने गलतियां तो कर ही दी है पिछले जनप्रतिनिधि, लेकिन अगर उस गलतियों को अगर दोहराया जाए तो समय जाएगा, लेकिन हम अगर नए सिरे से नए सोच के साथ एक नए जनप्रतिनिधि को नए चेहरे को खड़ा से और साथ ही साथ एक पढ़ा लिखा युवा हो, समझदार हो, क्षेत्र के विकास की बातें सोचे, ऐसे जनप्रतिनिधि को अगर आप चाहते करने हर संभव प्रयास करेंगे, और बल्कि प्रयास ही नहीं करेंगे बस खड़ी उतरूंगी, लेकिन आप लिखित साथ ही साथ कहा कि मैं लिखित रूप से यह घोषणा भी कर दूंगी कि हम आपके विश्वास पर खड़ी उतरूंगी, यही कहना है गीता वर्मा का अंतिम पर उसका भी एक सौ आपका चुनाव पर बनाया गया मकान को तब्दील कर देना कानूनी अधिकता है, मैं जनता से ये अपील करूंगी कि उनका जो वोट है बहुमूल्य वोट है वो ऐसे गलत जगह पे ना दे जिनसे उनका 5 साल बर्बाद हो जाए, जनता से ये अपील करूंगी कि वो अपना वोट मेरे समर्थन में दे, क्योंकि मैं उनके लिए आई हूँ, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ जनता, मैं आपके लिए आपके हक के लड़ाई के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। जैसा मैंने पहले भी बोला कि जिनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं लिखित रूप से साइन करने को नहीं कर पाया, तो इससे बड़ी बात नहीं, जनता से यही अपील है, आप सब जनता जनाब समझदार लोग हैं, आप भी लोगों की जिनको आपने मौका दे दिया है पहले उन्होंने आपके लिए क्या किया है आप भी बेहतर जानते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, आपको मुझे एक समय देना चाहिए मेरे हिसाब से ये लगता है, क्योंकि मैं सच में आई हूँ यहाँ काम करने, तो ये आश्वासन मैं लिखित तौर पर देने को चाहूँ, और जनता से यही अनुरोध है कि अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी संख्या से मुझे जीत दिलाए। चलिए सब कुछ हो गया, मतदान की तारीख नजदीक आ गई है, झेल आप रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के क्रियाकलाप से आप दुखी हैं, आप झेल रहे हैं समस्याएं, आप झेल रहे हैं, तो जरूरत है कि आप दोबारा अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करिए, इसलिए एनसीपी उम्मीदवार विजेता वर्मा ने कहा कि आप मेरे पक्ष में मतदान करें ताकि इस विधानसभा का तस्वीर और तकदीर बदल सके और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान हो सके। कैमरामैन पप्पू के साथ विकास सिन्हा से दिल्ली।